नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। चर्चा तो हम बिहार की ही करेंगे। देखिए अजीत जी, आज पूरा इंडिया ब्लॉक बिहार में जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर था, आंदोलन हो रहा था बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और देखिए यह मुद्दा बना हुआ है और नीतीश कुमार भी सजग और सतर्क है, क्योंकि वह मानते हैं कि सुशासन बाबू जो उनकी पहचान है उसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है वह बिहार में अपराध नियंत्रण की शक्ति है। देखिए सरकार के दावे अलग हैं, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है वह दिखता भी है कि हाँ अपराध तो है, लेकिन अपराध थामने की कोशिशें की जा रही है। यह आंकड़ा भी बताया गया है कि 2023 में सबसे कम हत्याएं हुई हैं 2001 से तुलनात्मक जो अध्ययन है, और 71% जो हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे निजी रंजिश है, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे दो दिनों पहले। और सबसे अधिक हत्याएं जमीन को लेकर हो रही है, फिर वो पैशन मर्डर है। लेकिन आज जब इंडिया ब्लॉक बिहार में जिला मुख्यालयों में आंदोलन कर रहा था तो किसी ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही थी जिसकी तलाश सबसे अधिक बिहार को है, और वे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। क्योंकि इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर तो वे ही बैठे हैं, आगे यदि इंडिया ब्लॉक को मौका मिलता है तो बिहार की सत्ता भी उन्हें ही संभालनी है, लेकिन वे पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे। और जब दिखाई नहीं पड़ते हैं तो वे कहां हैं यह बताने वाला भी कोई नहीं होता है। पार्टी के भीतर भी, राजद के भीतर भी यदि आप किसी से सवाल पूछेंगे कि तेजस्वी जी हैं कहां, तो वे कहेंगे मुझे पता नहीं। हाँ, ट्विटर पर प्रकट होते रहते हैं। देखिए अनंत अंबानी की शादी में गए थे, इसके बाद वे कहीं हैं। लेकिन जरूरत बिहार को, यदि विपक्ष को अपनी आवाज को बुलंद रखना है तो तेजस्वी यादव की जरूरत है, बिहार के मुद्दों को उठाना है। देखिए इसी बीच मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या हो गई, बड़ा मुद्दा था। तेजस्वी जी को सवाल उठाना था, ठीक है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सवाल उठाया। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर मुख्य गुनहगार मोहम्मद काजिम अंसारी की गिरफ्तारी भी कर ली, लेकिन मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं कह रहे हैं झोल है। तो तेजस्वी यादव, देखिए ट्विटर पर प्रकट होना और सामने से लड़ना ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे तो तेजस्वी यादव ही हैं। यदि नीतीश कुमार ना उम्मीद करते हैं तो लोगों को उम्मीद कि किरणें तेजस्वी यादव से दिखाई पड़ती है। और उनकी पार्टी में मुझे यह लगता है कि देखिए यदि आप बात करेंगे लीडरशिप की तो तेजस्वी के बाद कौन है यह पता ही नहीं है, किसे अधिकार प्राप्त है जो लीड कर सके। देखिए जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से वे अध्यक्ष बने हैं यदि कार्यालय में उनके उठने बैठने और कार्यालय के अनुशासन को छोड़ दें तो कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि वह जिलों की यात्रा पर गए, बूथ कमेटियों के साथ उन्होंने कहीं जाकर संवाद किया, चुनावी सभाओं को संबोधित किया, चुनाव की रणनीति बनाई। और देखिए दो दिनों के बाद अब बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, लोकसभा का भी सत्र शुरू होना है, तो विधानसभा के भीतर विधानमंडल के भीतर कैसे घेरना है सरकार, लोकसभा में क्या बातें उठाई जानी है। जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अब विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या परेशानी है। हमने देखा, आपने देखा और हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि बिहार ने कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं रखा इस बजट में हमें क्या चाहिए। तो जब यह मौका तेजस्वी यादव को मिला था कि सरकार फेल थी विजन डॉक्यूमेंट में, तो तेजस्वी यादव एक लकीर खींच सकते थे कि देखिए बिहार की जरूरतें क्या है और यह बिहार सरकार नहीं मांग रही। जनता को अच्छा लगता कि विपक्ष जो है वह बिहार की आवाज को उठा रहा है। लेकिन यदि आप ग्राउंड जीरो पर नहीं होंगे, कोई यह बताने की स्थिति में नहीं होगा कि आप हैं कहां, तो एक उलझन की स्थिति पैदा होगी। तो देखिए मेरी गुजारिश तो ये है, हम जैसे लोग आप भी हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विपक्ष की ताकत को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, कि तेजस्वी यादव जी को अब बिहार आ जाना चाहिए। विधानमंडल का सत्र है, दिल्ली में लोकसभा का सत्र है और बिहार के मुद्दे हैं, इनके बिहार विधान परिषद के एक सदस्य पर तलवार लटक रही है, उन्हें भी बचाना होगा। तो इन तमाम मुद्दों से लड़ने के लिए और सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को बुलंद करने के लिए तेजस्वी जी आ जाए।
क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत हैं ज्ञानेश्वर जी, इसमें असहमत होने की कोई बात नहीं है। और बल्कि हम इसमें आपने जो कहा उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे, वो आपने भी देखा ही होगा कि अभी उड़ीसा में चुनाव हुआ है विधानसभा का, और 24 साल के बाद चुनाव हार करके नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हुए। वो जब से राजनीति में आए तब से मुख्यमंत्री थे, और चुनाव हारने के बाद उनका ग्रेस देखिए कि उन्होंने न सिर्फ विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार किया, वो शपथ में गए, उनको एक सीट पर जिसने हराया उसको जाकर के बधाई भी दी विधानसभा में, और अब उन्होंने एक शैडो कैबिनेट बनाई है। जी बिल्कुल, ये बिहार में, ये देश में एक बड़ा प्रयोग है। आमतौर पर ये यूरोप का प्रयोग है, और ब्रिटेन से, जहां से हम लोगों ने गवर्नेंस का वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है शासन का, वो हम लोगों ने वेस्टमिंस्टर मॉडल जो लिया है वो ब्रिटेन का ही मॉडल है। वहां शैडो कैबिनेट बनाई जाती है, और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो शैडो पीएम होता है, और उसकी उसकी पूरी मंत्रिमंडल होती है, उसमें हर विभाग का मंत्री होता है, और वो मंत्री जो होता है, छाया मंत्री जो होता है, वो असली मंत्री के काम काज पर नजर रखता है। बिल्कुल, उस मंत्रालय, जैसे अभी शैडो कैबिनेट बनाया है इन्होंने नवीन पटनायक ने, ये पहला प्रयोग है हिंदुस्तान में, और अपना जो नवीन बाबू के मंत्रिमंडल में जो वित्त मंत्री थे उनको छाया वित्त मंत्री बनाया गया है, और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी की जो सरकार है उस सरकार में वित्त विभाग के कामकाज पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, तो इसी तरह से हर हर विभाग का एक छाया मंत्री बनाया गया है जो सरकार के उस विभाग के कामकाज पर नजर रखेगा, उसकी कमियां निकालेगा, उस पर आवाज उठाएगा, अपोजिशन की क्या भूमिका होनी है ये उस तरह से निर्वहन करना है उनको नवीन पटनायक। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने का जिम्मा विपक्ष को होता है, ये विपक्ष का होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष की। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते एक बात जानते हैं कि जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है ज्ञानेश्वर जी, जनता विपक्ष भी चुनती है। बिल्कुल, जनता ने आपको अगर विपक्ष में चुना है, विपक्ष के लिए चुना है, और मजबूत विपक्ष चुना है, तो आपको ईमानदारी से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। इस भरोसे काम नहीं चलेगा कि आप ही तो विकल्प हैं, नीतीश कुमार को लोग हटाएंगे तो किसको बनाएंगे, अगर अगर जनता दल यू को लोग हराते हैं तो किसको जिताएंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट सत्ता में आने की उम्मीद कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट, चूंकि हम अपोजिशन हैं, हमारे पिताजी अपोजिशन थे, हमारी माताजी अपोजिशन थी, पेरेनियल अपोजिशन हो गए आप, तो बीच में 3 साल अगर मौका नहीं दिया होता नीतीश कुमार ने तो आप अपोजिशन में रहने का रिकॉर्ड बनाते। तो अब आपको, आप ये मान के बैठे हैं कि जब नीतीश कुमार हारेंगे, जेडीयू बीजेपी हारेगी, तो हम अपने आप सत्ता में आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट सत्ता में आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा। हाँ, बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं है, ये तो सच है ना, कि यदि अकेले जनाधार की बात करेंगे तो अकेले जनाधार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, और अकेले जनाधार में सबसे बड़े नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव, लेकिन जनता आपको सुनना चाहती है, जनता आपसे संवाद करना चाहती है। और देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और क्या क्या हो रहा है इसके पीछे कई कई कहानियां। देखिए, ईडी की एंट्री हो गई, ईडी छापेमारी कर रही है, अधिकारी पदाधिकारी फंस रहे हैं, फिर सिंगला ग्रुप जो है, जो बिहार में सबसे अधिक काम कर रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें आप सरकार को घेर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ देखिए, कुछ तो गड़बड़ है, बू आ रही है। लेकिन आप जब ग्राउंड जीरो पर रहेंगे, मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, जब आप कहीं आते हैं जाते हैं तो आपने बाइट दे दिया, लेकिन मुद्दों की लड़ाई, मुद्दों के साथ जनता के साथ संवाद करके आपको लड़ना होगा, तब बिहार की सत्ता आपके करीब पहुंचेगी। भाई, उनको उनको अभी अभी बिहार की जनता ने 2020 में विपक्ष के लिए चुना, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर चुना उनको, तो वो भूमिका उनको निभानी होगी विपक्ष की, और वो भूमिका सड़क पर उतर के निभानी होगी। आप ट्विटर पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप कमरे में बैठ करके स्ट्रेटजी बनाना एक अलग चीज है, चुनाव लड़ने की रणनीति बनाना अलग चीज है, बयान बाइट जारी करना वो अलग चीज है, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव के वारिस हैं, और लालू यादव अपने को जेपी और राम मनोहर लोहिया का वारिस बताते हैं। तो जो जिनकी विरासत आप संभाल रहे हैं, संभालने का दावा कर रहे हैं, वो तो हमेशा कहते थे कि आपको सड़क पर लड़ना होगा, लोहिया तो हमेशा कहते थे कि सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो आप उस लोहिया के वारिस हैं, उस लोहिया की पार्टी के विचारधारा के की विरासत के हैं, तो आपको सड़क पर उतर के ही लड़ना होगा,
और जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं, जब अपोजिशन की भूमिका की बात होती है, आप जब रचनात्मक भूमिका अपोजिशन किस तरह से निभाए, या लोग जिन चीजों से परेशान है वो मुद्दे कैसे उठाए, तो हमको हमेशा लालू यादव ही याद आते हैं। आपको ध्यान होगा 2000 में जब उनकी सरकार बनाने के समय राष्ट्रपति शासन बिहार में लग गया था, तो आपने देखा कैसे लालू यादव सड़क पर उतरे थे और लालू यादव सड़क पर आगे आंदोलन को लीड कर रहे थे। लालू यादव के हाथ में झंडा था अपनी पार्टी का। मैंने याद कीजिए ना कि एयरपोर्ट तक वो राज्यपाल का पीछा कर रहे थे कि आप मुझे बिना शपथ दिलाए कैसे जा सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं। वही याद कर रहे हैं हम। हमने देखा था, आमतौर पर नेता अपने हाथ में झंडा लेके नहीं चलता था, लेकिन जब आप नेता को हाथ में झंडा लेके चलते देखता है कार्यकर्ता, तब आप सोचिए उसका उत्साह किस ऊंचाई पर होता है, उसका उत्साह, उसका मनोबल कितना बढ़ता है जब उसका नेता सड़क पर उतरता है। आखिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी इंतजार ही करते रहे बाई डिफॉल्ट होगा, नहीं हुआ बाई डिफॉल्ट। जब दो बार चुनाव हारे बुरी तरह से और सड़क पर उतरे, जब झंडा लेकर के चले, अपनी पार्टी का झंडा लेकर के और देश का झंडा लेकर के जब 3000 किलोमीटर चले, तो देखिए उनकी सीटें दुगनी हो गई। बिल्कुल, उनके ऊपर जितने भी तरह के आरोप लग रहे थे कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो 24 घंटे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, विदेश चले जाते हैं, लापता हो जाते हैं, सबेटिकल पर चले जाते हैं, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं होता, जब ये तमाम आरोप लगने तो बंद हो गए, तो ये कैसे हुआ? जब वो सड़क पर उतरे, जब वो पैदल चले, जब उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया, संवाद किया लोगों से जाकर के, वन टू वन अपना कनेक्ट बनाया, तो ये चीजें सीखने की हैं तेजस्वी यादव। उनको भी सड़क पर उतर जाना चाहिए था, अभी तो सबसे बड़ा मौका था। आप ये देखिए, जो जीतन साहनी, मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या का मामला है, ये इतना बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दा आप एक दिन और याद दिला रहे थे कि एक अपहरण हुआ था बच्चे का और अटल बिहारी वाजपेयी ने मुद्दा बना दिया था बिहार के, उस बच्चे का मुद्दा बना दिया था और सरकार बदल दी थी जी 2005 में। देखिए किसले का अपहरण पटना से हुआ, और याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर में ऐसा माहौल बनाया, अपहरण तो हो ही रहे थे लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा मुझे मेरा किसले लौटा दो, बस ये एक वाक्य और सरकार बदल गई थी, सरकार बदल गई। वही ज्ञानेश्वर जी, 15 साल से बिहार में इस तरह की स्थितियां चल रही थी और वो जिसको लास्ट नेल इन द कॉफिन बोलते हैं, ताबूत की आखिरी कील साबित हुई अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात, तो आप कौन सा एक अपहरण, कौन सी एक हत्या, कौन सी एक घटना, कौन सा एक घोटाला पूरा गेम बदल देगा पॉलिटिक्स का, ये कौन जानता है। ये वही मोमेंट था जब मुकेश सहनी आपके सहयोगी हैं, आपके साझीदार रहे चुनाव में, समूचे चुनाव में आप उनके साथ हेलीकॉप्टर पर बैठ करके उड़ते रहे। बिल्कुल, आपने ये कहा कि माई समीकरण में आपने अब एम जोड़ दिया, एक और मल्लाह जुड़ गया आपके साथ, तो वो फिर इस नाते भी आपको आना चाहिए था उनके इस दुख के समय में, इस ग्रीफ के समय में, दोस्त के नाते भी आप उनके सहयोगी के नाते भी आते, कहीं थे वहां से आ जाते, उनके गांव जाते, आप लोगों से मिलते। ये एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत बड़ा इशू हो सकता था, एक अत्यंत पिछड़ी जाति के आदमी का जो बिल्कुल उस समाज से आता है, मछुआरा समाज से, और उन्हीं के बीच रहता है, उसकी हत्या हुई है, चाहे निजी रंजिश में हुई हो, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बना सकते थे आप इस बात को लेकर के। और आप ऐसे ही अवसर की तो तलाश होती है पॉलिटिक्स में, ये तो पॉलिटिक्स जो है अवसर तलाशने की भी कला है कि किस अवसर को, किस आपदा को आप अवसर में बदलेंगे। तो आपने एक मौका गंवा दिया, अब आप आपके नेता, अपने आपकी पार्टी के नेता लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो तेजस्वी यादव के खुद सड़क पर उतर के आंदोलन प्रदर्शन करने का होता। अब देखिए इसमें और जो आपने अब उस पर भी बात कर रहे, जो आपने कहा करप्शन का मामला था, करप्शन का इशू इतना बड़ा हो गया है बिहार में, और उसके लिए तेजस्वी यादव को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। भारत सरकार की एजेंसी जांच कर रही है, जेडीयू की नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी जो है बीजेपी, उसकी सरकार है केंद्र में, उसकी एजेंसियां, केंद्र सरकार की एजेंसी जांच कर रही है। आप उसी के बहाने, उसी के दस्तावेज सामने रख करके बता सकते थे, कि लोगों के सामने जा सकते थे कि ये देखिए कितना करप्शन हो रहा है, और सिर्फ करप्शन नहीं है, पुल और ऐसे पुल गिर रहे हैं, ये आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है, गाड़ियां लोगों से भरी हुई गाड़ी गिर सकती है पुल में, और जो पुल बना रहे हैं उस कंपनी के यहाँ छापा पड़ रहा है। जो बड़े पुल उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी रहे हैं और अभी भी ऊर्जा विभाग के सचिव हैं, उनके यहाँ छापे पड़े। तो ये बड़ा मुद्दा करप्शन का भी बन सकता था, और यही दो चीजें पूंजी है नीतीश कुमार की, कि हमारे ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, हम ईमानदार हैं और हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया हुआ। इन्हीं दोनों मुद्दों पर वो कटघरे में खड़ा हो सकते थे। अभी जब ये, जब इसका माहौल ठंडा हो जाएगा, जब गुबार बैठ जाएगा, तब आप मुद्दा उठा के क्या करेंगे। नहीं, आप देखिए ना, और भी मुद्दे तेजस्वी जी के पास उपलब्ध है कि बिहार आरक्षण कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे थे चुनाव के दौरान कि भाई देखिए बीजेपी की सत्ता आएगी तो आरक्षण छीना जाएगा,
केंद्र सरकार ने नहीं छीना है, नीतीश कुमार ने नहीं छीना है, नीतीश कुमार तो देने वाले के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने छीन लिया। तांती ततबा को जो SC कैटेगरी में शामिल किया गया था 2015 में, जब महागठबंधन की सरकार होगी या उसके पहले ठीक पहले, वह भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। 25 लाख तांती ततबा आगे चौराहे पर, उन्हें अब EBC में एडजस्ट किया जाना है। तो ये तमाम मुद्दे, आरक्षण किस तरीके, और लालू यादव से बड़ा कोई चेहरा है ही नहीं जिसने आरक्षण की लड़ाई लड़ी। यदि BP सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया तो भाई लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों ऐसे हैं, और शरद यादव जो मंडल मसीहा कहे गए। तो आरक्षण छीना जा रहा है, चाहे जिस रास्ते छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और आपने ही दिया, जब महागठबंधन की सरकार थी तब बिहार आरक्षण कानून बना, 15% आरक्षण बढ़ाया गया और वह समाप्त हो गया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता के साथ आप संवाद कर यह साबित कर सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार में और NDA की सरकार में फर्क क्या है। लेकिन रहना तो होगा जनता के बीच। और लालू यादव के बेटे आप हैं, लालू यादव रात को 2 बजे निकल जाते थे, कहां पहुंच जाएंगे, किस वक्त पहुंच जाएंगे, किसके घर में जाकर कहेंगे कि भिंडी का भुजिया खिलाओ और कद्दू की सब्जी खिलाओ, यह पता ही नहीं होता था। देखिए, ये दो और मुद्दे हैं जो आपने अभी बताए, दो और मुद्दे आपने बताए, और एक ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। जो पहले आपने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ जी, जब अपोजिशन में होते हैं नीतीश कुमार तो विशेष राज्य के दर्जे की मारामारी करते हैं, वो इस तरह उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं, और जैसे उस सरकार में आते हैं, उस BJP के साथ सरकार में आते हैं, वैसे उस मुद्दे को छोड़ दिया जाता है। आपने एक उसमें निकलने का रास्ता दे दिया भारत सरकार को कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो विशेष आर्थिक पैकेज दे दीजिए। तो अभी तेजस्वी यादव और समूचा विपक्ष इस बात पर अड़ सकता है कि हमको विशेष पैकेज नहीं चाहिए, हमको विशेष राज्य का दर्जा ही चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगिए। और ये नीतीश कुमार BJP पर दबाव डालते, कांग्रेस RJD सब मिल करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतर करके कि विशेष राज्य का दर्जा मांगिए, जब आपको आप क्यों छोड़ सकते हैं, आप कैसे छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग? अगर कहते हैं कि ये संभव नहीं है तो फिर ये पूछा जाए उनसे कि तब आप पहले कैसे मांग करते थे। बिल्कुल, क्या आपको पहले नहीं पता था कि संभव नहीं है? तो पहले तो आप मांग करते थे, अब आप कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, ट्रिकी इशू है, जिस पर घेर करके उनको मजबूर किया जाता कि आप इस पर बोलिए और ये कहिए केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जनता को भी ये बात समझ में आती, जब आप कांस्टेंट किसी मुद्दे को इशू बनाए रखते हैं, लगातार गर्म किए रहते हैं, तो जनता को भी वो बात समझ में आती है। नीतीश कुमार को भी जंगल राज का नैरेटिव बनाने में 10 साल लग गए थे, 11 साल लग गए थे 1994 से बनाते बनाते, तब 2005 में जाकर के उसका फल मिला। तो तेजस्वी यादव कैसे ये बात समझते हैं कि चुनाव के एक महीना पहले जाएंगे, चुनाव घोषणा के बाद जाएंगे और लोगों के बीच हम मुद्दा बना देंगे, इशू बना देंगे? चुनाव में मुद्दे पहले से पकने शुरू हो जाते हैं, लोग पहले से अपना दिमाग बनाने लग जाते हैं। हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि जनता मतदान के दिन या मतदान के 2 दिन पहले मन नहीं बनाती है, जनता मन बना के रखती है, पहले से मन बनना शुरू हो गया रहता है उनका मतदान के समय। तो 2-4-5% जो फ्लोटिंग वोट है वो इधर उधर होता है। तो तेजस्वी यादव अभी 2-1% वोट से पीछे नहीं है, तेजस्वी यादव बहुत वोट से पीछे है। तो उनको उनका सामाजिक आधार अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि फ्लोटिंग वोट के सहारे वो चुनाव लड़ने चले जाएंगे, उनको अपना भी वोट आधार बड़ा करना है। और एक बात ज्ञानेश्वर जी, एक बात आप समझिए, ये चर्चा शुरू हो गई है और कभी भी ये इशू BJP JDU बना सकते हैं इस बात को कि तेजस्वी यादव इसलिए नहीं गए क्योंकि जीतन साहनी की हत्या में मुस्लिम अरेस्ट हो गया। अगर ये इशू मान लीजिए फ्लेयर अप हो जाए, अगर प्ले कर दे कोई इस बात को, इशू वहां ये बना दे कि आप मुस्लिम को ज्यादा तरजीह देते हैं मल्लाह के ऊपर, तब तो चुनाव में मल्लाह जोड़ने की आपकी सारी कोशिश टाइट ऑफिस हो जाएगी। और देखिए पुलिस कह रही है कि देखिए अभी तो हमने कम ही खुलासे किए हैं, और भी खुलासे होने, कुछ गिरफ्तारियां होनी है। और देखिए आजकल हम लोग यदि संसद की कार्यवाही को देखें, जब नया चुनाव हुआ और क्या बिल्कुल नई संसद बनी, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस अवतार में है? राहुल गांधी पानी पिला दिए हैं नरेंद्र मोदी को, अखिलेश यादव भी भिंगा भिंगा के मार रहे हैं। बिहार के 10 सांसद हैं पप्पू यादव समेत विपक्ष के, इन दस सांसदों के साथ बैठक कर आप 9 के साथ ही बैठ लीजिए, पप्पू यादव को छोड़ दीजिए, तय तो कीजिए कि जब संसद का सत्र चलेगा तो बिहार के मुद्दे क्या होंगे, बिहार की आवाज क्या उठाई जाएगी, बिहार से जुड़े सवाल क्या पूछे जाएंगे, संसद के भीतर बिहार की गूंज तो दिखाई पड़े। बिल्कुल, फ्लोर स्ट्रेटजी, जो फ्लोर की स्ट्रेटजी होती है, राहुल गांधी आपने कहा ना कि जिस सदन में जो उन्होंने पॉलिटिक्स की, और सदन खत्म होते देखिए राहुल गांधी हाथरस गए,
जहां एक बाबा के भगदड़ में लोग मरे थे, राहुल गांधी गुजरात गए जहां जाकर के वो मोरबी के हादसे से और राजकोट के गेमिंग जोन के हादसे में मारे गए लोगों से मिले, राहुल गांधी मणिपुर गए जहां दंगे के में प्रभावित लोगों से मिले। तो राहुल गांधी समूचा देश नाप चुके, अभी चारों दिशाओं की यात्रा कर चुके हो। हाँ, यही कारण है ना कि अब देखिए राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं कह रहा है। हाँ, नहीं कह रहा है कोई आदमी, कोई आदमी नहीं कह रहा है अब राहुल गांधी में संभावनाएं लोग देख रहे हैं। हाँ, और पहले कहा जाता था कि गंभीर नेता है, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अब तो कोई नहीं कह रहा है। तो आप विधानसभा की स्ट्रेटजी बनानी है तेजस्वी यादव को, लोकसभा की स्ट्रेटजी बनानी है, जो घटनाएं हुई हैं उनके पीड़ितों के पास जाना है, अपने जो आपके एक दोस्त सहयोगी के पिता की हत्या हुई है उनको कंसोल करना, उनको सांत्वना देना, और आप कहीं है ही नहीं, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आप आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड होता है, आप सामने नहीं है, आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस घटना को लेकर के अगर इस घटना पर कोई राजनीति होती है, लोगों के मन में कोई गुस्सा पनपता है, तो आप सिर्फ ये मान रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको लाभ मिलेगा। आपने इसके लिए, आप किसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। और लोकसभा की बात आपने कही, कल ही सर्वदलीय बैठक है, अब हो सकता है कि जूम मीटिंग पर या ऑनलाइन समझा रहे हो तेजस्वी यादव अपने सांसदों को कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन आपको इस समय आप कहीं बाहर थे, वहां से लौट करके दिल्ली आते, अपने विधायक अपने सांसदों के साथ बैठक करते। क्या बैठक हुई है? कोई इंडिया ब्लॉक के बिहार के सांसदों की कोई बैठक हुई है? अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। आप उनकी एक बैठक करिए, फ्लोर कोऑर्डिनेशन करिए उनके साथ, फ्लोर की स्ट्रेटजी बनाइए। और बजट सत्र है, इस सत्र में आपको बहुत सारी चीजें कहनी है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात उसी सत्र में आप उठाइए, उसी में विशेष पैकेज की भी बात उठाइए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की भी बात उठाइए, बिहार के पिछड़ेपन की बात उठाइए। और बजट में बिहार को अगर कुछ नहीं मिलता है या जिस बात की उम्मीद की जाती है उतना नहीं मिलता है, तो आप उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे सारी पार्टियों को साथ लेकर के आप उसका विरोध करें। 10 आदमी की आवाज बड़ी नहीं है, ये वाला जो लोकसभा है ये और बड़ी लोकसभा है, इसमें तो सीटें खाली रहती है सर, ये तो 880 लोगों के बैठने की लोकसभा है, तो 543 बैठे, सब बैठे तब भी सदन खाली रहता है, तो 10 लोग उसमें पता नहीं चलेंगे। आपको 233 जो अपोजिशन है उनको एकजुट करना है, कौन करेगा? अब तेजस्वी यादव ने अभय कुशवाहा को अपना नेता बनाया हुआ है, ये ठीक है बिहार में आपको दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, कुशवाहा पॉलिटिक्स के लिए ठीक है, लेकिन क्या अभय कुशवाहा यहाँ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन के साथ या TR बालू और ए राजा के साथ? वो नहीं कर सकते हैं ना कोऑर्डिनेशन। तो आपने यहाँ किसको जिम्मेदारी दी है कि कौन कोऑर्डिनेट करेगा उनके साथ? अपोजिशन के जो बड़े लीडर्स हैं उनको बिहार के कॉज पर एकजुट होने के लिए उनके साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? ये तो बड़ी जरूरत होती है ना कोऑर्डिनेशन की, कि आप जब कोई मुद्दा उठाएं तो समूचा अपोजिशन आपके साथ खड़ा हो, आप किसी मुद्दे पर वॉकआउट करना चाहें तो समूचा अपोजिशन आपके साथ वॉकआउट करे। तो ये स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, ये कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो ये कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई स्ट्रेटजी अभी तक नहीं दिख रही है। आप लोकसभा चुनाव में, बल्कि आपके लिए इस बात को एक बड़ी उम्मीद की किरण की तरह देखना चाहिए कि 0-4 हुए हैं आप और 1 से अपोजिशन आपका 10 का हुआ है, इसको कैसे और एक्सपेंड करेंगे, कैसे आप विधानसभा चुनाव में इसको बढ़ाएंगे? आदमी देखिए जी, हर जिले में प्रतिरोध मार्च हो रहा है, यदि झंडा लेकर पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव होते तो क्या यह दिल्ली तक नहीं जाती? जो प्रतिरोध मार्च आज हुआ, आप कहते हैं कि मीडिया पर सरकारी दलों का दबाव होता है, सत्ताधारी दलों का, लेकिन तेजस्वी यादव सड़क पर होते तो यह दिल्ली में भी आवाज सुनाई पड़ती कि तेजस्वी यादव सड़क पर हैं, और तेजस्वी यादव आज सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज और हासिल करते, मीडिया में स्पेस भी सबसे ज्यादा वही ही हासिल करते। लेकिन जब आप मौके पर देखिए, जगदानंद सिंह से क्या उम्मीद कर सकते हैं, उन्हें कौन मीडिया स्पेस मिलना है? लेकिन यदि आप होते, और यदि आप होते तो आपके कार्यकर्ताओं की ताकत भी 4 गुनी नहीं 10 गुनी अधिक होती, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है, जिन्हें टिकट लेना है, जिन्हें अपने समर्थकों को दिखाना है, जिन्हें अपनी ताकत दिखानी है, वे सभी के सभी होते और फिर लगता कि हाँ सचमुच में प्रतिरोध मार्च हो रहा है, नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दी जा रही है। ये तो जनता को मैसेज देना होता, नहीं सबसे ज्यादा जनता को मैसेज जाता। और तेजस्वी यादव को के लिए उनकी स्थिति वैसी हो गई है जैसे लालू यादव की थी एक जमाने में, मीडिया जिस तरह से लालू यादव के पीछे भागता था उनकी बाइट लेने के लिए, अभी तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। लोग, मीडिया के लोग उनको निश्चित रूप से दिखाते, जो आप कह रहे हैं, अगर डाक बंगला चौराहे पर झंडा लेकर के तेजस्वी खड़े होते, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता खड़े होते, सारा मीडिया सोशल मीडिया में कवर करता, आज जो इस मार्च की कहीं खबर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तेजस्वी मार्च कर रहे होते तो ये ट्रेंड कर रहा होता सोशल मीडिया में भी, और मीडिया में भी आप इसको इशू बना सकते थे, इसमें और भी कई डायमेंशन जोड़ सकते थे। आप वो तस्वीर सोचिए
जब आप मुकेश सहनी से मिलते, आप उनको गले लगाते, आप उनको सांत्वना देते, लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा इशू आप बना सकते थे, करप्शन का इशू कितना बड़ा आप बना सकते थे सड़क पर, लेकिन आपने ये मौका जाने दिया हाथ से। तो ये आप ये मान के चले, हम लोग ये उम्मीद करें कि ये वन टाइम होगा, कि अब चुनाव के बाद, ये चुनाव तुरंत खत्म हुए थे और वो उनको आराम भी करना होगा, कुछ छुट्टी मनानी होगी तो चले गए, लेकिन अभी भी अब उनको आ करके ग्राउंड पर काम करना होगा। और उनको एक सबक जो हमने पहले कहा, नवीन पटनायक से कुछ सीखे, अपोजिशन का कैसे काम करता है, उस आदमी से जो लगातार जीवन भर 24 साल सत्ता में ही रहा है, तो उस वो अपोजिशन में कैसे काम करे। और दूसरा उनको प्रशांत किशोर से भी सीखना चाहिए, प्रशांत किशोर को क्या जरूरत है गाँव में रुकने की, और 3 किलोमीटर रोज चलते हैं और 3,000, 5,000, 10,000 लोगों से रोज मिल रहे हैं गाँव में जाकर के, उनका वो तो कोई पॉलिटिशियंस भी नहीं है, उनको कोई विरासत भी नहीं बचानी है, लेकिन अपोजिशन कैसे काम करता है ये वो दिखा रहे हैं। और अभी पिछले 2 साल में राहुल गांधी ने भी दिखाया कि अपोजिशन कैसे काम करता है, अखिलेश यादव दिखा रहे हैं कि अपोजिशन कैसे काम करता है। तो ये चीजें राहुल गांधी इनको, तेजस्वी यादव को भी दिखानी चाहिए है कि अगर जनता ने आपको एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका के लिए चुना है, तो जब तक आप उस भूमिका में सफल नहीं होंगे, तब तक आपको सत्ता पक्ष की भूमिका नहीं देगी जनता। ये मान के चलिए बतौर अपोजिशन जिस भूमिका के लिए जनता ने आपको चुना है, वो भूमिका आपको बहुत कायदे से निभानी है, उसमें सफल होने का मैसेज होगा तो जनता आपको सत्ता के लिए चुनेगी। ये सिंपल फंडा है, आपको अपोजिशन के रूप में सफल होना होगा। ये सच है ना कि देखिए तेजस्वी यादव को यह मानना होगा कि देखिए एनडीए और ताकतवर हो गया है, पहले चिराग पासवान इधर उधर थे, 2020 में आपने फायदा उठा लिया, लेकिन अब चिराग पासवान भी, मांझी भी, सहनी नहीं कुशवाहा भी, हाँ उपेंद्र कुशवाहा भी, नीतीश कुमार भी बीजेपी, तो अब और ज्यादा ताकतवर है और आपको लड़ना है। आपने देखा रूपौली के उपचुनाव में आप 3rd नंबर पर चले गए, केवल यादव का मत मिला, मुसलमान आपसे भाग गए, वे निर्दलीय के साथ चले गए, प्रशांत किशोर नया फार्मूला दे रहे हैं, प्रशांत किशोर रोज आपकी पार्टी से नेताओं को जोड़ रहे हैं और आपके अध्यक्ष को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जहां आपको बूंद बूंद संग्रह करना होगा विपक्ष की ताकत को और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर के आप बिहार विधानसभा के चुनाव में। और बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने पटना में जो समीक्षा बैठक की, विनोद तावरे ने कहा कि 34 सीटों पर आरजेडी को समेट देंगे। 34 सीटें कैसे भाई? तो लोकसभा में 34 सीटों पर ही बढ़त मिली 34 विधानसभा क्षेत्रों में, तो आप जवाब देते ना। नहीं तो वो देखिए, एक 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 जो राजनीति का एक हिसाब, जो गणित, चुनावी गणित का जो एक हिसाब होता है कि जनता बहुत दिन तक प्रयोग में नहीं प्रयोग करती। जनता को अगर लगेगा कि आप ठीक है बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप 30% वोट से बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप हरा नहीं पा रहे हैं जेडीयू को और बीजेपी को, तो जनता दूसरे विकल्प की तरफ जाती है। बिल्कुल। और वो दूसरा विकल्प अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नहीं, इकोसिस्टम देखिए, मुझे रोज दिल्ली और मुंबई से मीडिया हाउसेस से फोन आ रहे हैं, वे प्रशांत किशोर पर चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, चाहते हैं। प्रशांत किशोर कितना क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैंने एक दिन कहा भी, तलखी में कहा भी कि देखिए यदि उन्होंने जातीय समीकरणों से सत्ता हासिल करने की कोशिश की तो बिहार में जात के महंत बहुत बैठे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें पटना से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर लंदन तक चर्चा हो रही है कि हाँ प्रशांत किशोर बिहार में कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए हम लोग एक एक अभी हम एक एग्जांपल देने जा रहे थे, जो तेजस्वी यादव लगातार किस तरह से आरजेडी जो है हार करके विपक्ष में रह रही है और वो नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं, वही स्थिति दिल्ली में थी। 1998 से लगातार बीजेपी लड़ती थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को हरा नहीं पाती थी। अच्छी मजबूत पार्टी थी, उसको 36% 34% वोट आता था, लेकिन बीजेपी कभी कांग्रेस को हरा नहीं पाती थी। लोगों ने सोचा कांग्रेस को हराना है और बीजेपी नहीं हरा पा रही है, तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में चुन दिया। बिल्कुल। उनको लग रहा था कि बीजेपी नहीं हरा पा रही है, इसमें कुछ कमी है, या इसका इतना वोट परसेंटेज है, इसमें कोई नया वर्ग नहीं जुड़ रहा है और कांग्रेस को हराना है, तो एक नया विकल्प आया, उसको चुन दिया लोगों ने। तो क्या पता ऐसी स्थिति अंदर अंदर लोगों में बन रही हो बिहार में कि भाई आप लगातार लड़ते हैं, आप हरा नहीं पाते हैं, तो अब आप रहने दीजिए, हम कोई नया विकल्प चुन लेते हैं। तो ये स्थिति जो है, इस स्थिति ये हो सकता है, अभी इसका खतरा बड़ा नहीं दिख रहा है अभी तुरंत इमीडिएटली, लेकिन तेजस्वी यादव को जमीन पर उतर के और जो आपने कहा उस तरह से संग्रह करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को बचाना होगा और ये भरोसा दिलाना होगा कार्यकर्ताओं को भी और मतदाताओं को भी कि अब वो लालू यादव वाली आरजेडी नहीं है,
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक दूसरी आरजेडी है जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स करती है, जो कास्ट के कम्बिनेशन से ऊपर उठ करके राजनीति कर रही है, नौजवानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सब मैसेज बनाना होगा जनता के बीच में, क्योंकि अभी अभी जो इनके सामने प्रॉब्लम है तेजस्वी के सामने, वो बड़ी बड़ी समस्या जंगल राज वाली नैरेटिव की है। वो नैरेटिव अभी खत्म नहीं हुआ, वो जनता के दिमाग से निकला नहीं है, और वो पीढ़ी भी अभी है, बल्कि जवानी के दौर में है, दहलीज पर है वो पीढ़ी, जो जिसने देखा है 90s के सारे हालात देखे हैं बिहार के, वो लोग अभी हैं। हो सकता है उसमें काफी लोग बिहार से बाहर हों, लेकिन वो जो बिहार के बाहर है वो तो और ज्यादा लाउड नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, वो और ज्यादा लाउड नॉइज क्रिएट कर सकता है जो बिहार से बाहर बैठा हुआ है जो जंगल राज को लेकर के। उस विरासत से भी छुटकारा पाना है। विरासत में तेजस्वी यादव को मुस्लिम यादव का 30% वोट मिला है, तो साथ में जंगल राज का इतिहास भी मिला है जी। वो 30% की पूंजी है, और ये आपका नुकसान है, ये आपकी कमी है, ये खाई है, खड्डा है आपका। तो मुसलमान विकल्प तलाश रहे हैं, इस बात को मानना होगा, हाँ, तो और जहां विकल्प मिल जाएगा, देखिए आप अगर नहीं हरा पा रहे हैं और उसको हराना है तो विकल्प खोजेगा, और जहां विकल्प मिलेगा, और हर जगह विकल्प मिल गया है, ऐसा नहीं है मुसलमान को कैसे, उसने लेफ्ट और कांग्रेस को छोड़ दिया, ममता बनर्जी विकल्प मिल गई उसको वहां, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2011 में विकल्प मिल गई, 10 साल तक उन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन जब उसको लगा मुसलमान को कि भाई इसे लेफ्ट से नहीं हो रहा है, कांग्रेस से तो नहीं हो रहा है, तो ममता बनर्जी को चुन दिया। दिल्ली में उसने अरविंद केजरीवाल को चुन दिया, ऐसा थोड़ी है उसको विकल्प मिलने में। वहां आप आंध्र प्रदेश में देखिए जगन मोहन रेड्डी को चुन दिया, कितने मिसालें हैं अभी हाल के 10-20 साल की पॉलिटिक्स के। तो उसको ऑप्शन मिलता है, वो चुन लेगा, उसको कोई उसको अगर हराना है, उसका एक दिमाग में बैठा हुआ है, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जिसको भी एक दिमाग में एक बात अगर आ रही है एक वर्ग मतदाताओं के एक समूह में कि हराना है नीतीश कुमार को, अब सत्ता बदलनी है, बहुत दिन हो गया, जो लोहिया जी को मानने वाले भी लोग हैं कि रोटी उलटती पलटती रहनी चाहिए, तवे पर नहीं तो रोटी जल जाती है, तो उस तरह के भाव अगर किसी के मन में आ रहे हैं और उसको विकल्प खोजना है, लेकिन तेजस्वी के रूप में अगर उसको लग रहा है कि ये विकल्प नहीं है तो वो नया खोज लेगा। तो ये आप विकल्प है, इसको बाय डिफॉल्ट मत मानिए कि आप ही हैं, आप जनता को फॉर गारंटेड मत लीजिए कि यार कहां जाएंगे लोग, आप हैं तो हम ही है, नीतीश कुमार है नहीं तो हम हैं तो हम ही को देंगे लोग, तो ये आप फॉर गारंटेड मत लीजिए। लोग दूसरे किसी को भी खोज सकते हैं, कोई नया विकल्प एकदम नीचे से जमीन से खड़ा कर सकते हैं, एकदम कोई नया विकल्प जनता खड़ा कर सकती है, इसलिए फॉर गारंटेड मत लीजिए पॉलिटिक्स में किसी भी मतदाता को, किसी भी क्षेत्र की जनता को और किसी भी इश्यूज को। आपको ग्राउंड पर जाकर के काम करना होगा, जनता के बीच में मैसेज देना होगा, 24 घंटे मौजूद रहना होगा, अपनी मौजूदगी दिखाइएंगे, दिखाते रहेंगे, मौजूदगी दिखानी होगी। जनता के पास विकल्प होता है, जनता विकल्प तलाश सकती है और विकल्प तलाशने में वह नया प्रयोग कर सकती है, लेकिन आपके पास जनता का वोट ही है, आपको यह सिद्ध करना है कि जनता आपको ही वोट दे। यदि आप चुकेंगे तो जनता विकल्प के पास जाएगी और फिर बिहार का परिदृश्य बदलेगा तो क्या होगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि तेजस्वी जी जल्दी से जल्दी आ जाइए बिहार में, अभी आप सबसे बड़े उम्मीद के किरण हैं विपक्ष में, तो आप ही से उम्मीद है विपक्ष को, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।